देश में किसान आंदोलन 2.0 जारी है। किसानों के दिल्ली कूच का 17 फरवरी को पांचवा दिन है। किसान अभी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में है। बीते दिन किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। पंजाब और हरियाणा में इस बंद का ज्यादा असर था। अब सरवन सिंह पंधेर, महासचिव पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का कहना है, सरकार अध्यादेश के जरिए MSP पर कानून ला सकती है। एक बार सरकार कानून लाने का फैसला ले ले तो समाधान निकाला जा सकता है। जरा सुनिए इन्हें। आपकी सरकार आएगी जैसा आप दावा करता, मैं नहीं बोलता, तो फिर 6 महीने बाद इसके आगे की प्रक्रिया भी हम कर लेंगे। अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो संभव है ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून को लेकर आना, ऐसी बात नहीं है। और हम ये भी बोल रहे हैं CACAP की जो आपकी कैलकुलेशन है, बेशक हम उसके साथ सहमत ना हो, आप 23 फसलों के ऊपर पहले ही MSP का ऐलान कर रहे हैं, बेशक हम सभी फसलों के ऊपर MSP मांग रहे हैं, तो आपके पास पहले तय किया हुआ फार्मूला है जो सरकार ने अपनी मर्जी से लाया है A2+FL का, बेशक हम उसके साथ सहमत हो या ना हो, आप उसी के आधार पर खरीद की गारंटी का कानून बना सकते हैं। अब C2+50% आपके द्वारा जो CACP में लिखा है उसी के द्वारा अगर उसको लागू करेंगे तो हमारा अब जो रेट्स है गेहूं अथवा धान का, तो 1000 से प्लस रुपए आपको देने पड़ेंगे। चलो ये आगे की बात है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है C2+50% के ऊपर, लेकिन इसके बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए कानून लाने में। और इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं गन्ने का C2+100%, ये कैलकुलेशन की बात है। आप पहले कानून लाने का निर्णय ले लीजिए तो ये मोर्चे का सुखद हल निकल सकता है।